स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, अच्छा फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आने वाले कुछ दिनों में मैं शायद राशि के अनुसार कुछ रीडिंग्स डालने वाली हूँ सितंबर मंथ के लिए। बने रहना और सब्सक्राइब जरूर कर देना, चैनल को बेल आइकन दबा कर रखना। किसी भी दिन कोई भी राशि मैं पोस्ट कर सकती हूँ आप प्लीज। एक रिक्वेस्ट है मेरी, आप में से काफी लोग क्या करते हो, जब मैं राशि के अनुसार पोस्ट करना शुरू करती हूँ तो आप में से बहुत लोग ऐसे हो जो मुझे मैसेज करते हो, दीदी प्लीज लियो की डाल दो, प्लीज लिब्रा की डाल दो, अभी तक आपने कुंभ की नहीं डाली अभी तक आप। तो इस तरह डेस्परेट ना रहे, मुझे 12 राशियां पूरी तरह से याद रहती है तो मैं बारी बारी सब राशियां डालूंगी। आप अगर इम्पेशेंट हो जाते हैं तो यार फिर वो रीडिंग्स बनाने का मजा नहीं आता, ऐसा लगता है कि आप प्रेशर बना रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप प्रेशर बनाए बिना इंतजार करें, पेशेंस रखें अपनी राशि आने का, ठीक है? सो यस, मैं आने वाले समय में ये सारी रीडिंग्स तैयार करने जा रही हूँ सितंबर मंथ के लिए। बने रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर मेरी बात रूड लगी तो यार आई एम रियली वेरी सॉरी, बट क्या करूं, कभी कभी मुझे भी कुछ ऐसा देख के बुरा लग जाता है, मुझे लगता है अरे यार ये लोग समझ क्यों नहीं रहे। मैं तो डालूंगी ही, ऑब्वियसली है कि इस चैनल पे अगर बाकी राशियां डाली तो किसी भी एक राशि या किसी भी पर्टिकुलर राशि के साथ भेदभाव क्यों होगा, डाला जाएगा राइट। तो हमें पूरा तो करना है सीरीज राइट, तो इस बात को समझना। और यस, मेरी कैंडल खत्म हो गई तो मुझे बड़ी कैंडल डालनी पड़ी। और आज की जो रीडिंग है ये ब्लेसिंग्स के ऊपर है, आने वाले दिसंबर मंथ तक आपकी जिंदगी में क्या ब्लेसिंग्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये ब्लेसिंग्स में आपकी जिंदगी में क्या फायदा होगा, क्या बेनिफिट होगा, ये सब चीजें हम देखेंगे। और ये रीडिंग जो है आपके नाम के पहले अक्षर अनुसार है, पिकर कार्ड रीडिंग है, ठीक है? फाइल नंबर 1 में ABCDEFGHIJKLM है, फाइल नंबर 2 में NOPQRSTUVWXYZ है। टाइम स्टैम्प्स में जाकर आप अपनी फाइल पे क्लिक करके डायरेक्ट अपनी फाइल देख सकते हैं, ठीक है? सो सबसे पहले फाइल नंबर 1 के साथ शुरू करने जा रही हूँ। फाइल नंबर 1 देखते हैं आपके लिए नेक्स्ट बचे हुए जो महीने हैं साल के, दिसंबर तक, अभी से लेकर दिसंबर तक आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आपको रिसीव होने वाली है। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या ब्लेसिंग्स आप इन्हें डिलीवर करेंगे। ABCDEFGHIJKLM मुझे काफी हद तक दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा अप एंड डाउन चल रहे हैं, बहुत ज्यादा अप एंड डाउन। यहाँ पे आप जो है खुद को संभालने की या खुद को जैसे तैसे बेटर फील करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर किसी तरीके की एंजाइटी या हैवी एनर्जी है जो आप अपने अंदर ही रख रहे हो, लोगों को बता नहीं रहे हो। जो तरीके की एनर्जी आप फील कर रहे हो ये लोगों को बयां करना शब्दों में बहुत मुश्किल है, और ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि आप चाहकर भी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। आपने खुद को बहुत ज्यादा स्ट्रांगली सप्रेस करके रखा हुआ है, अपनी एनर्जीज को आपने बहुत ज्यादा क्लोज ऑफ करके रखा हुआ है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप किसी को भी अपनी मन की भावना नहीं बता रहे, और अंदर से आप बहुत ज्यादा क्या कह सकते हैं वो शब्दों को, डिफिकल्ट फील कर रहे हो, या कुछ चीज को आप जो है अपनी जिंदगी से रिलीज करने का प्रयास कर रहे हो। बहुत ही मुश्किल है आपको अपनी हीलिंग करना, पर आप अपना बेस्ट ट्राई कर रहे हो अपने लेवल पे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में इस वक्त आप मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा फेस कर रहे हो, बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स है जिसको आप फेस कर रहे हो। आपके लिए लाइफ सडनली चिड़चिड़ापन, सडनली बहुत हैप्पी, सडनली बहुत रोना, सडनली आप जो है चीजों में अपनी एनर्जी लेवल में किसी तरीके का फ्लक्चुएशन फील कर पा रहे होंगे। आपके लिए बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटेड एनर्जी में देख पा रही हूँ, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन आप फील कर पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप इम्पेशेंट हो रहे हैं। यानी कि ऐसी एनर्जी है जहां पर क्यों चीजें वर्क नहीं कर रही, क्यों मेरा फाइनेंस ग्रो नहीं कर रहा, क्यों मेरे लिए चीजें बेहतर नहीं हो रही, क्यों मेरी लाइफ में ग्रोथ नहीं हो रही, वर्क नहीं कर रही चीजें। इस तरीके की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि आप कहीं ना कहीं थोड़े से इम्पेशेंट हो रहे हो, और कहीं ना कहीं आपके दिमाग में चीजें इस तरह हावी हो रही है कि आप इम्पेशेंट होकर अपने आप को एग्जॉस्ट करके मूड स्विंग से गुजरने लगते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। आपके आने वाले समय में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आप एक नई शुरुआत कर रहे हैं, अपने आप को एक बेटर पर्सन बना रहे हैं, और अपने अंदर काफी ज्यादा चेंजेस लेकर आ रहे हैं, और समय बदलता नजर आ रहा है। स्पेशली मुझे सवाल का जवाब कुछ इस तरह मिल रहा है कि आने वाले एक साल बाद आप जहां पे होंगे वो बहुत ही डिफरेंट प्लेस होगी। आपके अंदर बहुत सारे मेजर शिफ्ट हो रहे हैं। हाँ, ये मेजर शिफ्ट आपके अंदर की एनर्जीज को बहुत ड्रेन कर रहे हैं, एग्जॉस्ट कर रहे हैं, एंजाइटी या स्ट्रेस, या रात को स्पेशली आप बहुत अपसेट फील करते हैं, उस एनर्जी को काफी हद तक आप रिलीज करने वाले हैं। आपकी जिंदगी में आपका अभी का समय बिल्कुल उल्टा होने वाला है, मतलब अभी जो भी समय आपका चल रहा है उस समय को आप पार करके निकलने वाले हो,
मैं झूठ नहीं बोलूंगी, नेक्स्ट दिसंबर तक, मतलब ये नेक्स्ट जो बचे हुए कुछ महीने हैं टिल दिसंबर, आपके एनर्जी में बहुत ज्यादा लाइक कुछ चैप्टर्स को आप क्लोज करके आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, और आप जो है अपने आप को बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड या बहुत ज्यादा ऐसा फील कर सकते हो कि लाइफ आपके साथ ज्यादा जस्टिस नहीं कर रही है या चीजें बेटर नहीं हो रही है, बट कहीं ना कहीं ये फ्रेश स्टार्ट की कहानी शुरू होते हुए, एक नई कहानी, एक नए अध्याय की तरफ आप जाते हुए नजर आ रहे हो। ये सिचुएशन पास्ट की जो है ये आप पीछे छोड़कर एक नई कहानी, यानी कि एक फ्रेश स्टार्ट, न्यू बिगनिंग, एक न्यू वर्जन आप बनने वाले हो, बहुत स्ट्रांग, बहुत प्रैक्टिकल, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक। आज में जो आप हो उससे बहुत ज्यादा डिफरेंट पर्सन आप बनेंगे। आने वाले समय में आपको काफी ज्यादा चेंजेस अपने अंदर देखने को मिलेंगे। दिसंबर तक आपके लिए चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड रहेंगी, आपकी लाइफ में चीजें यानी कि हर्डल्स या ऑब्स्टिकल्स आएंगे, आप अपनी जिंदगी में अपनी लव लाइफ या इमोशंस में परेशान होंगे या वर्क प्लेस में परेशान होंगे, लेकिन ये दिसंबर तक रहेगा। आने वाले समय में नेक्स्ट ईयर में आपके जीवन में बहुत सारी इसी रीजन से ग्रोथ आएगी। आपके जो भी कर्म आप आज कर रहे हो उसकी ग्रोथ आपको नेक्स्ट ईयर में मिलने वाली है, और कहीं ना कहीं इसके बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आपको आने वाले समय में मिलेंगे। देखते हैं ब्लेसिंग्स क्या है, यूनिवर्स और बताएं क्या ब्लेसिंग्स रिसीव होंगी दिसंबर तक इनके लिए। ओके, आपके अंदर काफी ज्यादा इमेच्योरिटी है, ठीक है, काफी ज्यादा इमेच्योरिटी है। इस इमेच्योरिटी को आप रिलीज करेंगे, आपके अंदर ना स्टेबिलिटी नहीं है, कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी ना बहुत ज्यादा लाइक फ्लक्चुएट करती रहती है। कभी भी आप बहुत जल्दी परेशान हो जाते हो, बहुत जल्दी आपको छोटी सी भी बात घर कर जाती है, किसी ने आपका जरा सा भी कुछ गलत किया तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हो। लाइक आप किसी को भी गलत नहीं देख सकते, अनफेयर नहीं देख सकते, आपको फेयर रहने की आदत है, इसलिए आप जल्दी हर्ट भी हो जाते हो। तो यूनिवर्स आपके अंदर की इन मैच्योरिटी को रिलीज करेगी और कहीं ना कहीं आपको एक बहुत ही स्ट्रांग पर्सन बनाएगी। यहाँ पर देख सकते हो पेज से किंग का सफर, पेज से किंग यानी कि एक बच्चे से एक कहीं ना कहीं मैच्योर लेवल का आप जो है पाथ पकड़ रहे हैं। आपकी जिंदगी में आप बहुत ज्यादा ऐसी पर्सनालिटी बनेंगे जो बहुत स्टेबल होंगे, जिसको पता होगा उनकी लाइफ में क्या करना है, जो इमोशनल फूल नहीं रहेंगे, इमोशंस आपके लिए वैल्यू नहीं करेंगे। आने वाले समय में इमोशंस आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे, आप अपनी जिंदगी में बहुत प्रैक्टिकल और बहुत सोच समझकर काम करेंगे। छोटी से छोटी बात भी आपको इफेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि अभी आप अपने जीवन में जो फेस कर रहे हैं वो आपको बदल रही है, कहीं ना कहीं आपके अंदर चेंजेस ला रही है, और ये चेंजेस आपसे आपको बच्चे से बड़ा बना रही है। यानी कि ऐसा समझ लो आप बच्चे से बड़े लेवल पे बन रहे हो। आप अभी तक जो है बहुत ज्यादा जल्दी से एक्शन ले लेते हो, बिना सोचे समझे आप कोई भी तरीके का स्टेप ले लेते हो, बट आने वाले समय में आप बहुत ज्यादा सूझबूझ से काम करने वाले, बहुत स्ट्रैटेजिकली आप पैर रखने वाली पर्सनालिटी बन जाओगे। आपके पास बहुत ज्यादा मुझे से दिख रहा है कि सेल्फ ग्रोथ आपकी बहुत ज्यादा होगी। ये दिसंबर तक आपकी सेल्फ ग्रोथ काफी ज्यादा देखी जाएगी। अभी जो है आपके अंदर जो अपने आप को लेकर कंट्रोल नहीं है, आने वाले समय में आप खुद को बहुत कंट्रोल बनाओगे, कंट्रोल में लाओगे। देखो आपने अक्सर देखा होगा, कभी कभी आप लोगों को देखकर बोलते होंगे ना कि यार यार इसमें इमोशन ही नहीं है, ये कितना पत्थर दिल है यार, इसको कोई फीलिंग आती है कि नहीं आती, इसको तो इमोशन महसूस भी होते हैं या नहीं होते, कैसे कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी में सब कुछ भूल भाल के अपने काम में बिजी रह सकता है। तो ये जो आप लोगों के लिए बोलते हो ना, वो कहीं ना कहीं अब आपके अंदर बनने वाला है। आप खुद को इस तरीके के स्टोन हार्ट बनाने वाले हो, जिसमें आप बहुत ज्यादा अपने काम को लेकर, अपने गोल्स को लेकर और अपने अचीवमेंट्स को लेकर फोकस्ड और अलर्ट रहोगे। आपकी जिंदगी में बाकी आसपास लोग क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, कौन किसकी चोटी खींच रहा है, इससे आपको कोई मतलब नहीं रहने वाला। आप एक बहुत ही ज्यादा मैच्योर पर्सन होंगे, जिसमें ऐसी एनर्जी नहीं होगी कि वो एक एक रुपए को गिने, जिसमें ऐसा होगा कि जो लाख के टर्नओवर्स, लाखों के टर्नओवर्स को कैलकुलेट कर रहे हैं। यानी क्या होता है ना, छोटे छोटे पैसे बचाना बंद कर देंगे आप, छोटे छोटे रुपयों पे फोकस करना बंद करेंगे, आप कुछ बड़े लेवल के गेम्स पे उतरेंगे, और आप बड़े लेवल के बोलते ना काफी ज्यादा बड़े लेवल के स्टेप्स लेंगे। यूनिवर्स और बताएं और क्या ब्लेसिंग्स होंगी दिसंबर तक। आपका अगर घर बनाने का कोई प्लान चल रहा है तो घर वगैरह बना लेंगे। आपका अगर घर बनाने का कोई प्लान है, या घर की कोई मरम्मत है या रिपेयरिंग है जो आप बहुत टाइम से जिसमें अटके हुए थे, या प्रॉपर्टी में कहीं आपका कोई प्रॉब्लम चल रहा था जो सॉल्व नहीं हो रहा था, तो फाइनली वो प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। कहीं आपने कोई पैसा इन्वेस्ट किया था, कहीं सेव किया था, वहां पे ग्रोथ देखी जाएगी। आपके इन्वेस्टमेंट्स के बहुत अच्छे रिटर्न्स देखे जाएंगे। आपकी सूझबूझ बहुत ज्यादा होगी और काफी ज्यादा आप दिसंबर मंथ तक कॉस्ट कटिंग भी करेंगे। आप बहुत ज्यादा कॉस्ट कटिंग करेंगे, यानी कि
आपके जो फिजूल खर्ची है उसको कम कर देंगे, आप जो है अपने पैसे बहुत सोच समझ कर सूझबूझ के साथ बचा बचा कर चलेंगे और अपने आने वाले फ्यूचर के लिए खुद को प्रिपेयर करेंगे। और अगर आपके पैसे कहीं आपने इन्वेस्टमेंट जैसे शेयर मार्केट या प्रॉपर्टी में कहीं लगा रखे हैं तो वहां आपको अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी और वो भी बहुत ऑल ऑफ सडन होगी, बहुत ही सडन। और पॉसिबिलिटी है कि जो लोग अभी तक सेव नहीं कर रहे वो अचानक से अपने पैसों को गिनना और सेव करना शुरू करेंगे। आप खुद को सेफ एंड सिक्योर करने के लिए और बहुत ही बेटर फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करेंगे। यूनिवर्स और बताएं ब्लेसिंग्स। जिन लोगों को अपनी लव लाइफ में प्रॉब्लम दिख रही है उनकी जिंदगी में कोई न्यू पार्टनर रिसीव होगा। आपके लिए आपकी जिंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति एंटर कर जाएगा जो आपको कंप्लीट फील कराएगा या जो आपको एहसास करवाएगा कि वो है आपके लिए और आप अकेले नहीं है। हालांकि इमोशंस का आपके लिए दूर दूर तक बिल्कुल ताल्लुक नहीं रहेगा। आप एक ऐसी पर्सनैलिटी बनने जा रहे हैं जिसके लिए फिजिकल सब कुछ लाइक ऐसा है कि आप ऐसे पर्सन बन जाएंगे जो अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, क्योंकि आपने अपनी लाइफ के बहुत सारे लेसन से सीखा है। आपने अपनी जिंदगी में सीखा है कि जब जब आप लोगों को बहुत ज्यादा इमोशनली एंटरटेन करते हैं या अवेलेबल रहते हैं तो लोग आपका फायदा उठा लेते हैं। तो कहीं ना कहीं अब आप ऐसी पर्सनैलिटी बनोगे जो आप फिजिकल अगर हो गए या रोमांटिक हुए तो रोमांस करके आप अगले दिन फिर बैक टू वर्क हो जाओगे और आपको मायने नहीं रखेगा कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं। आप अपने जीवन में इतने ज्यादा अलर्ट और फोकस्ड हो जाएंगे जिसमें आपको लगेगा कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप उनके साथ एक हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, शादी हो रही है नहीं हो रही है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपका उनके साथ कोई फ्यूचर है या नहीं। आपके लिए सिर्फ ये महत्व रखेगा कि आप उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं कि नहीं। अगर वो व्यक्ति आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने में सक्षम है, आपका दिल जीतने में सक्षम है और आपको एक्साइट करते हैं, हैप्पी फील करवाते हैं, तो डेफिनेटली आप उनके साथ कंटिन्यू रहेंगे। अदरवाइज आप नेगेटिव लोगों को अपने आसपास भटकने भी नहीं देंगे। आप आसपास बिल्कुल भी ऐसी एनर्जीज को एंटरटेन नहीं करेंगे जो आपको टॉक्सिक एनर्जी फील करवा रही है या जो आपको ऐसा फील करवा रहे हैं कि आप लो हैं या वीक हैं या किसी व्यक्ति के कारण अगर आप कमजोर हो रहे हो तो आप उस व्यक्ति को रिलीज करेंगे। काफी लोगों के लिए न्यू लव या पर्सनालिटी इनकी जिंदगी में आएगा और काफी लोग जो है अपनी जिंदगी में एक्स को एक और चांस देंगे। जो लोगों के एक्स वापस आ रहे हैं वो मौका देंगे अपने एक्स को, लेकिन इस शर्त पे कि अगर हैप्पी रख सकते हो, खुश रख सकते हो तो मोस्ट वेलकम। तुमसे कोई होप्स नहीं है कि तुम कुछ बड़ा कर जाओ, क्योंकि तुमसे उम्मीदें तो पहले भी नहीं थी, मतलब ऐसा था कि तुम पहले भी उम्मीद के हिसाब से तो ले रहे नहीं। बट ऐसा है कि जब जब मैं चाहूं तो तुम अवेलेबल रह सकते हो तो फिर तुम्हें वेलकम करूंगी या करूंगा, अदरवाइज तुम निकल लो क्योंकि तुम सिर्फ मुझे एग्जॉस्ट कर रहे हो, मेरी एनर्जी इतनी नहीं है कि मैं तुम्हें दे सकूं। लाइक आप बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सनालिटी बन रहे हो। मैंने कहा ना, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। आप वो पर्सनालिटी बनोगे जो सिर्फ अपने बारे में सोचोगे और ये सोचोगे आपकी जिंदगी में आपकी ग्रोथ कैसे हो रही है। आप एक स्टोन हार्ट पर्सन बनोगे। आज तक आप गिविंग रहे हो, इमोशनल पर्सन रहे हो, आज तक आप वो पर्सन रहे हो जो छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट कर दे, बट अब आपके अंदर बहुत ज्यादा मैच्योरिटी देखी जाएगी जो सिर्फ प्रैक्टिकल है, जो बहुत ज्यादा अपनी एनर्जीज पे फोकस कर रहे हैं कि भाई अपने आप को खुश रख सके, हैप्पीनेस सेटिस्फैक्शन क्या ये सब चीजें मिल रही हैं, इसी चीज पे फोकस करेंगे। ठीक है, सो ये थी आप लोगों की ब्लेसिंग्स। अगर मैं आपकी साइंस में बता दूं, एक मिनट, हाँ जो मुझे ज्यादा साइंस मिली है, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी एरीज लियो सजिटेरियस और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। एक मिनट, मुझे ज्यादा साइन जो मिली है ना, एरीज लियो सजिटेरियस और लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी की मिली है। ओके, ये आपके सन मून राइजिंग में कहीं में हो सकता है। ठीक है, जो बर्थ नंबर्स हैं वो 4 नंबर या 3 नंबर्स मुझे ज्यादा दिखे हैं। ठीक है, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आई तो मस्त वाला लाइक चेप डालो जल्दी से और यस सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। जैसे कि मैंने बताया, मैं ऑल साइन रीडिंग्स करने जा रही हूँ आने वाले समय में सेप्टेम्बर मंथ की, जिसपे मैं डीप एनालिसिस करूंगी। अगर आपको वो देखना पसंद है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करें ताकि आपको अलर्ट आ जाए जब जब मैं वो साइन की रीडिंग पोस्ट करूं तब। ठीक है, सो अभी के लिए इतना ही। चलती हूं मैं, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहे, बाय, टेक केयर, ओम साई राम। अब आ रही है पाइल नंबर 2 की, NOPQRST UVWXYZ। यूनिवर्स मुझे बताएं पाइल नंबर 2 वालों के लिए, उनके लिए क्या ब्लेसिंग्स एक्सपेक्टेड है दिसंबर मंथ तक। यूनिवर्स बताएं क्या ब्लेसिंग्स होंगी, करंट एनर्जी बताएं पहले। NOPQRST UVWXYZ। ओके, करेंटली आपकी जिंदगी में मुझे ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है। आपकी अब ये ग्रोथ ऐसा हो सकती है कि या तो फाइनेंशियली ग्रोथ हो रही है, या ये ग्रोथ ऐसी हो सकती है कि या तो आपके लव लाइफ में ग्रोथ हो रही है और या ये आपकी सेल्फ ग्रोथ हो रही है। सेल्फ ग्रोथ यानी कि आपके अंदर बहुत सारे
बदलाव या चेंजेस आ रहे हैं जिसको आप महसूस कर सकते हो? आप वो पर्सनालिटी नहीं रहे जैसे आप पहले हुआ करते थे, आप कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन बन चुके हो, और या कह सकते हैं कि अभी तक आप बिल्कुल भी स्पिरिचुअल नहीं थे, अब आप बहुत स्पिरिचुअल और बहुत ज्यादा इस तरीके की प्रैक्टिकल और बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजिकल पर्सनालिटी बन चुके हो। आपके अंदर काफी ज्यादा ग्रोथ दिख रही है, काफी लोग जो है सूझबूझ के साथ अपनी जिंदगी में कुछ चेंजेस ला रहे हैं, जैसे कि अगर अभी तक शादी करना या सगाई करना डिफिकल्ट था आपके लिए, तो शादी या सगाई के डिसीजंस ले लिए हैं, क्योंकि आई कैन सी सेलिब्रेशन हियर। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि यस, आप फेस कर रहे हैं बहुत ज्यादा कंपटीटिव एनर्जी को, बहुत ज्यादा कंपटीशन है आपके आसपास। अब ये कंपटीशन का मतलब ये हो सकता है कि या तो आप अपने करियर में बहुत ज्यादा कंपटीशन फेस कर रहे हैं, लोग आपको गिराने की या लो फील कराने की कोशिश कर रहे हैं, या आपको बहुत ज्यादा आपकी सक्सेस पे टांग अड़ाने की दिक्कत कहीं ना कहीं पैदा हो रही है, या सेम आप ही की फील्ड के जैसे लोग आकर आप ही के सामने शॉप खोलकर बैठ गए हैं, इस तरीके की एनर्जी है, या आपके ऑफिस में बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स हो रही है, या थर्ड पार्टी इश्यूज हैं। आप अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा लाइफ में अगर जो प्रॉब्लम्स आपकी सबसे मेजर है वो थर्ड पार्टी हो सकती है, बिकॉज यहाँ पे मुझे कंपटीशन दिखाई दे रहा है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके लिए जिंदगी हर दिन एक नई जंग है, हर दिन एक नई लड़ाई जो आपको फेस करनी पड़ रही है, और लाइफ आपके लिए यस आपको ग्रो कर रही है, आपको लाइफ में बहुत सारे चेंजेस और आपके अंदर बहुत सारी ग्रोथ दिख रही है, और कहीं ना कहीं आप बहुत चेंज हो रहे हो, आप डे बाय डे खुद को बदल रहे हो, डे बाय डे आपके अंदर की एक स्ट्रांग एंथुसियाज्म और एनर्जी दिखाई दे रही है, डे बाय डे आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस दिख रहे हैं। कंपटिटिव एनर्जी है बहुत स्ट्रांगली, ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि आप अपने हालातों से बहुत कुछ सीख रहे हैं, और यस आपके आसपास बहुत ज्यादा स्ट्रगल जो है वो सिर्फ तीसरे पक्ष से या थर्ड पार्टी से, या आपके आसपास के लोग जो है वो आपसे जलस है और आपको गिराना चाहते हैं। यूनिवर्स और बताएं इनके बारे में। ओके, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आपके लाइफ में आप अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ज्यादा सोचते हो कि फ्यूचर के लिए आपको आखिर क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, आप किसी तरीके के चेंजेस अपने जिंदगी में इसीलिए ला रहे हो ताकि आपका फ्यूचर बेटर हो सके। कुछ मैन्युपुलेशन या पॉलिटिक्स भी आप करते हुए नजर आ रहे हो, जहां पर आपको चाणक्य नीति निभानी है वहां पर अच्छे तरह से चाणक्य भी बनते नजर आ रहे हो, बहुत ही शुगर कोटेड बातें करने लगे हो, बहुत ही तरीके से लोगों का दिल जीतने लगे हो ताकि आपके काम जो है आपके अच्छे तरीके से बन जाए। लाइक आपको पता है कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगी, इसलिए उल्टी उंगली टेढ़ी उंगली करके आप अपना काम करवा रहे हैं। आपके अंदर बहुत ज्यादा, मैंने अगेन कहा, कोई बहुत बड़ी लेवल की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है कि पुराने रिश्तों को खत्म करके एक नए रिश्ते की शुरुआत करेंगे, या पुराने जो चैलेंजेस हैं जो आपके लिए डिफिकल्ट थे, जो स्टेप्स लेना बहुत डिफिकल्ट थे, वो स्टेप्स फाइनली लेकर दिखाएंगे। आपके लिए लाइफ इज नॉट दैट इजी, बट आप काफी हद तक अपने अंदर एक जिद ला रहे हैं चैलेंजेस को फेस करने के लिए, और आप जो है पुराने कुछ किस्सों और चैप्टर्स को खत्म करने की कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं आपके अंदर जो है पुराने वर्जन की एंडिंग हो रही है, आपके अंदर एक नया जन्म होता दिखाई दे रहा है। आप जो पर्सन अब बनने जा रहे हैं या जो बने हैं, वो पर्सन आप इससे पहले कभी नहीं थे। आप पहले हमेशा गुड बुक्स में रहने वाली ऐसी पर्सनालिटी थे जो सबके लिए बस सबका दिल जीतने में लगे रहते थे, बट दिस टाइम आप सिर्फ दिमाग से काम लेते हो, जहां पर आप जितना हो सके लोगों को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रहे हो या लीड करने की कोशिश कर रहे हो। आप अपने दिमाग से काम लेकर चाणक्य नीति करके जीतते हुए नजर आ रहे हो, और जिसके लिए आप साम दाम दंड भेद सब कुछ करने को तैयार हो। यूनिवर्स मुझे बताए दिसंबर तक इनके लिए ब्लेसिंग्स क्या एक्सपेक्टेड है। NOPQRSUVWXYZ। कुछ लोगों के लिए पुराना रिश्ता जो है आप अपनी तरफ से खुद से ही एंड करोगे, ठीक है, आप अपनी तरफ से एंडिंग दे रहे हो। यूनिवर्स मुझे बताएं कि ब्लेसिंग्स क्या है दिसंबर मंथ तक इनके लिए। आपकी एक कोई इच्छा पूरी हो सकती है, लेट मी जस्ट सी स्टार का एनर्जी क्लैरिफाई करें, कोई आपकी इच्छा या डिजायर पूरी होगी। वेरी नाइस एनर्जी। ओके सॉरी, मुझे गलत फहमी हुई, मुझे फोर ऑफ वॉन्ड्स लगा, नहीं, इट्स फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, ये थोड़ी से कॉम्प्लिकेटेड एनर्जीज है, राइट, कार्ड्स देखो पता नहीं चलता, यहाँ फोर ऑफ वॉन्ड्स है, सो नॉट दैट ब्यूटिफुल एनर्जी, बट येस ब्यूटिफुल इट इज। आपकी ओवर थिंकिंग का अंत होगा, आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हो किसी चीज को लेकर, आप बहुत स्ट्रेस हो, वो फाइनली वो स्ट्रेस को आप रिलीज करोगे, फाइनली वो स्ट्रेस आपके लिए खत्म होगा, आपके सोच विचार खत्म होंगे, आपकी एनर्जी में एक मेजर शिफ्ट आएगा, जहां पर आप जिस चीज को लेकर बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड हो उस एनर्जी को आप रिलीज करेंगे। ओवरथिंकिंग या आपकी प्रॉब्लम है, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिससे आप बाहर निकलेंगे, ये प्रॉब्लम को आप रिलीज करेंगे। हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, कि बहुत पुरानी कोई हेल्थ आपको बहुत ज्यादा आपकी सेहत खराब कर रही है और आपको बार बार पीछे खींच रही है, या किसी
अपने की हेल्थ को लेकर आप बहुत परेशान रहते हैं, तो ये हेल्थ का पैटर्न आपका इम्प्रूव होगा, आपकी लाइफ में आपको जो है ये पुरानी प्रॉब्लम से जान छूटेगी, लाइक उससे निजात मिलेगी, आपकी विश फुलफिलमेंट दिखाई दे रही है। और बताएं और क्या ब्लेसिंग्स है दिसंबर मंथ तक। किंग ऑफ कप्स एंड थ्री ऑफ कप्स। ओके, आपकी सोशल सर्कल बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, आप सोशलाइज काफी ज्यादा करेंगे आने वाले समय में, आप बहुत ज्यादा फ्लर्टिशियस और रोमांटिक और काफी सोशलाइज करने वाली पर्सनालिटी बनेंगे। आप रोमांटिक भी बहुत होते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके अंदर एक रोमांटिक वर्जन आ रहा है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा फ्लर्टी होने वाले हैं आने वाले टाइम में। यस, आपके अंदर एक मेजर शिफ्ट जो हुआ है वो ये है कि इससे आपने सीखा है कि लाइफ में सीधे तरीके से ये सीधे रहकर कुछ मिलता नहीं है, आपको टेढ़ा बनना पड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं आपके अंदर एक मेजर शिफ्ट है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ज्यादा लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करोगे, एक तो आपकी कम्युनिकेशन के कारण आप लोगों को बहुत अट्रैक्ट करोगे, लोग आपके बारे में फैंटेसाइज करने पे मजबूर हो जाएंगे, ऐसी एनर्जी आप ले आएंगे, आपको लेकर इनके मन में बहुत ज्यादा, लोगों के मन में बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी आएगी जहां पे वो आपके लिए क्रेव करेंगे, नए नए अपॉर्चुनिटीज या पार्टनर्स आपको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, पुराने चैप्टर्स को आप एंड करेंगे क्योंकि आपको लगेगा कि क्या है इस एनर्जी में मैं अपना समय क्यों गवाऊं, इस तरीके की एनर्जी है। जैसे कि मैंने कहा, ओवरथिंकिंग को आप रिलीज करेंगे, कुछ चीजों को लेकर आप बहुत परेशान रहे हैं उसको रिलीज करेंगे, ये कोई पुरानी बीमारी हो सकती है जिसका एंड होगा। और कहीं ना कहीं आप किसी कॉम्पिटिटिव एनर्जी का सामना कर रहे हैं तो इन्हें भी आप मजा चखाएंगे, इस तरीके की एनर्जी है, कोई थर्ड पार्टी है तो इसे आप अच्छे से मजा चखाएंगे क्योंकि आप अपनी ग्रोथ लाएंगे जिससे थर्ड पार्टी को इफेक्ट हो सकता है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है, येस देर इज समथिंग रिलेटेड टू योर सेलिब्रेशन, कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, मे बी आप कुछ अपॉर्चुनिटीज को ग्रैप करोगे जो अभी तक आपने अपॉर्चुनिटीज नहीं लिए हैं। और काफी हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर मैं ब्लेसिंग्स की बात करूं तो यहां पर आप मुझे काफी हायर लेवल की ग्रोथ को अचीव करते हुए दिखाई दे रहे हो। अचीवमेंट्स में मुझे सोशलाइज करते हुए, फ्रेंड्स के साथ इन्वॉल्व होते हुए, फ्रेंड सर्कल आपका बहुत बढ़ेगा, फ्रेंड सर्कल्स में आप बहुत ज्यादा उठना बैठना करोगे, सोशलाइज, गेट टुगेदर, पार्टीज, इवेंट्स, इसमें आपका पार्टिसिपेशन ज्यादा होगा और काफी हद तक आप फ्यूचर को लेकर बहुत ज्यादा बड़े बड़े स्टेप्स लोगे। और जैसे कि मैंने कहा, आपके अंदर एक फ्लर्टी रोमांटिक पर्सनैलिटी देखी जाएगी, जो बहुत रोमांटिक है, जो बहुत फ्लर्टी है। आप खुद को खुलकर एक्सप्रेस करेंगे, लोगों के सामने खुद को ऐसे एक्सप्रेस करेंगे जैसे कि मानो इससे पहले आप बहुत हिचकते होंगे या झिझक रखते होंगे कि नहीं मैं कैसे खुद को बताऊं और कैसे मैं अपनी फीलिंग्स को सामने रखूं, बट नाउ आप ऐसे हो जाएंगे जहां पे बिल्कुल आप बिंदास हो जाएंगे और अपने मन की भावनाएं सामने रखेंगे। और बताएं, आपके अंदर एक फ्लर्टी नेचर है, हो सकता है आप किसी न्यू कनेक्शन में पड़ेंगे। यस, आई टोल्ड यू आप किसी कनेक्शन में पड़ सकते हैं। आप में से काफी लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अगर नहीं कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़ेंगे अगर आप मैरिड है तो, और अगर आप सिंगल है तो आप किसी को साथ टाइम पास करेंगे। लिटरली मैं ये बोलते हुए मुझे भी बड़ी हंसी आ रही है, लेकिन यस, आप लोग किसी के साथ टाइम पास करेंगे, आप किसी के साथ सीरियस नहीं होंगे, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट योर नीड, आपको अपनी नीड्स हैं तो आप अपनी नीड्स के लिए पॉसिबिलिटी है कि किसी के साथ टीपी करेंगे, कोई न्यू कनेक्शन या किसी तरीके के फिजिकल मेकिंग लव में आप इन्वॉल्व होंगे। और अगर मैं आपकी हैवी साइंस को देखूं तो लिब्रा एग्रेस जेमिनी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस की एनर्जी मुझे मिली है, या आपके साइंस हो सकते हैं। जो बर्थ नंबर्स मैं ऑब्जर्व कर पाई हूं, 8 मिला है, 1 मिला है, 11 मिला है और 6 मिला है। ऐसा लग रहा है कि यस, आपके अंदर एक बड़े मेजर शिफ्ट है। दिसंबर मंथ तक आपके अंदर बहुत सारी चीजें जो है मुझे ऐसा दिख रहा है कि चेंज होंगी, बहुत सारे बदलाव, और आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा या आपके अंदर जो एनर्जी में शिफ्ट आएगा वो बहुत ही अच्छे लेवल का शिफ्ट आएगा। आपके अंदर बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी चेंज है जिसमें आप बहुत कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और आपके आसपास के हर एक व्यक्ति आपसे अट्रैक्ट होंगे, इवन इंक्लूडिंग योर एक्स, आपके एक्स भी होंगे। और आपके जो अगर कोई नुकसान पहुंचा रहा है, मान के चलो ऑफिस में कोई पॉलिटिक्स वगैरह है, तो आपको वो हार्म नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप दिमाग से बहुत चतुर चालाक चल रहे हो, तो आप जो है दिमाग से इतना अच्छा चलेंगे कि लोग आपको गिरा नहीं पाएंगे। ठीक है, तो दिसंबर मंथ तक ये आपको ब्लेसिंग्स रिसीव होंगी। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को ऑल साइन रीडिंग्स देखने में इंटरेस्ट है, सब्सक्राइब जरूर कर देना इस चैनल को, बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब डेफिनेटली आगे जो कर रहे हैं, और बाकी डिटेल जानने के लिए आप वीडियो पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूं, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साईं राम।